टू माई चैनल कमलेश कार एसेसरीज। सो यहाँ पर आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ स्कॉर्पियो, जो कि क्लासिक मॉडल है। आप देख सकते हो कि अभी उसकी कंडीशन कैसी है। तो यहाँ पर ये वाली स्कॉर्पियो में बहुत सारा मॉडिफिकेशन है, और जो अंदर का इंटीरियर है वो पूरा चेंज करना है हमको, और बहुत ही मज़ा आएगा इसके काम में। तो अभी मैं आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन करने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले ये पॉलीफिल वाले सीट कवर इसमें लगे हुए थे, तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है इससे, क्योंकि जो कम्फर्टनेस इनको मिलनी चाहिए वो इस सीट कवर में मिली नहीं है। तो ये सीट कवर हम हटा के यहाँ पर जो ब्लैक और मरून वाले सीट कवर है वो इसमें इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो उसका सीट कवर बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। और हाँ, जो इसका फिटिंग भी होगा पूरा बकेट फिटिंग होगा। आप देख सकते हो कि अभी तो कंपनी की ओरिजिनल सीट है। तो यहाँ पर आप अंदर का भी एक बार लुक चेक कर लो। ये आप देख सकते हो कि इसका जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये मैटिंग निकाल के हम पूरी मैटिंग इसमें चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ऊपर का रूफ है वो भी आप देख सकते हो कि आइसपल कलर में लगाया हुआ है, और जो सीट कवर हमने जो चॉइस किए हुए हैं वो ब्लैक और जो मरून टाइप कलर रहता है उसमें हमने सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जो रूफ़ है उसको पूरा हम चेंज करके यहाँ पे पूरा ब्लैक रूफ बनाने वाला है। और इसमें भी आपको इस बार कुछ अलग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। जो इसमें हम करने वाले हैं वो स्टार रूफ करने वाले हैं, यानी आप देख सकते हो कि अभी जो नॉर्मल सा जो गाड़ियों का रूफ रहता है वही है, पर इसको हम कुछ नया कॉन्सेप्ट करने वाला है। यानी जो रॉयल्स रॉय में आती है जो रूफ जो स्टार वाला रहता है जो कॉन्सेप्ट पूरा, ऐसा इसमें करना है। तो दोस्तों, इस गाड़ी को बनने में थोड़ा टाइम तो जाएगा, पर हाँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही मॉडिफिकेशन का काम है इसमें। तो ये सब काम ओनली ऑन कमलेश कार एसेसरीज पे ही हो रहा है, आप देख सकते हो। तभी करते हैं वर्क स्टार्ट। ये देख लो गाइस, पूरा रूफ निकल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी को, और ये आप रूफ भी देख सकते हो कि पूरा रूफ निकल दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट हो गया है दूसरा दिन, और यहाँ पर जो स्कॉर्पियो है उसका क्या क्या वर्क हुआ है आपके सामने ही है अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कि स्कॉप लाइट इंस्टॉल हो चुकी है स्कॉर्पियो के ब्रांडिंग के साथ। यहाँ पे एम्बियंस लाइट का वायरिंग जो है वो डन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सीट कवर भी बन चुके हैं, सीट कवर भी बहुत ही तगड़े डिज़ाइन में बनाए हुए हैं, पूरे कस्टमाइज सीट कवर हमने इसमें बनाए हुए हैं। तो जो मेन लाइट है दोस्तों, तो उसमें हमने एलईडी लाइट्स इसमें इंस्टॉल की हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी है। और हाँ गाइस, इसमें जो फोकस है वो आपको मैं नाइट में ज़रूर दिखाऊँगा, बहुत ही तगड़ा फोकस है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी सब गत्ते खुले हुए हैं, जो डोर पैनल्स है वो सभी खुले हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। जो पीछे के डोर में स्पीकर है वो इंस्टॉल हो चुके हैं, वो भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। और यहाँ पर आपको मैं अभी सीलिंग दिखाना चाहूँगा जो कि रूफ है, ये देख लो पूरा ब्लैक कलर में रूफ हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, और ये पूरा वेलवेट रहने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और हाँ गाइस, इसके ऊपर अभी हम इंस्टॉल करने जाएंगे जो ये लाइट्स है, स्टार लाइट जो बोलते हैं वो लाइट्स हम इसमें इंस्टॉल करने जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रहते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये पूरा इसमें लगाना है, तो आज मेन इसका ही काम है। तो ये आपको मैं आज इसमें इंस्टॉल करके भी दिखा दूंगा कि कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो रूफ़ है वो इंस्टॉल होने जा रहा है अब, और यहाँ पे आप रूफ देख सकते हो कि कैसा है, ये देख लो गाइस। तो पूरा जो लाइटिंग रहती है ऊपर स्टार लाइटिंग, वो पूरी ऐसे फिटिंग होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देख लो गाइस। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रूफ है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वायर्स है यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी निकल जाएगी, और जो इसकी जो लाइटिंग्स है वो भी मैं आपको एक बार ही दिखाऊंगा।
ये देख लो गाइस, अभी तो इसमें नाइट का भी लुक मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया फिटिंग हुआ है। और जो एम्बियंस लाइट है वो भी हमने फिटिंग की हुई है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डोर्स पे है, तो यहाँ पे हमने एम्बियंस लाइट इसमें फिटिंग की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो फोर डोर पे यहाँ पे हमने एम्बियंस लाइट इसमें इंस्टॉल की हुई है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर डैशबोर्ड पर भी हमने एम्बियंस लाइट इसमें इंस्टॉल की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डोर पे, ये देख लो गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एम्बियंस लाइट है वो पूरी यहाँ से लेकर इधर, यानी पूरा डैशबोर्ड हमने कवर किया हुआ है। और यहाँ पे आप सेंटर में भी देखोगे तो सेंटर में हमने एम्बियंस लाइट की एक लुक दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी पट्टी हमने एम्बियंस लाइट की लगाई हुई है, ये देख लो। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो मेन जो वर्क करने वाले थे स्कॉर्पियो में वो हो चुका है। तो नाइट लुक में मैं आपको अभी इसका जो इसकी जो इफ़ेक्ट है, जो इसका फिनिशिंग है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। जो लाइट्स का जो फोकस है, कैसी दिख रही है नाइट में गाड़ी, वो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्टर में जो LED है वो इंस्टॉल की हुई है। तो यहाँ पर मैं एक बार ही वो स्टार्ट करके दिखा दूँगा आपको, ये देख लो गाइस, ये देख लो, ये सिर्फ प्रोजेक्टर की लाइट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो है सिर्फ, ये सिर्फ प्रोजेक्टर की लाइट है जो हमने इंस्टॉल की हुई है। यानी ये एक ही लाइट है, अभी ये दूसरी लाइट हमने स्टार्ट नहीं की है, पर ये एक ही लाइट में आप फोकस इसका देख सकते हो कि कितना पावरफुल है। और यहाँ पर अभी मैं आपको एक बार डिपर भी स्टार्ट करके दिखाऊँगा, डिपर ये देखो, जो सामने की जो दीवार है वहाँ तक आप देख सकते हो कि कितनी फैल के जा रही है ये लाइट, ये देख लो कितनी वाइड रेंज में जा रही है। और जो अभी स्कॉर्पियो लग रही है बॉस, बहुत ही पावरफुल लग रही है। अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो अंदर का हमने जो इंटीरियर इसमें किया हुआ है, बहुत ही तगड़ा इंटीरियर किया हुआ है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको इंटीरियर का एक लुक दिखाना चाहूँगा जो कि नाइट लुक में है, अंदर का इंटीरियर लुक है वो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पावरफुल तगड़ा जो बोलते हैं वो हमने डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे आप एम्बियंस लाइट की भी फिटिंग फिनिशिंग देख सकते हो। और जो नाइट लुक है भाई साहब, बहुत ही तगड़ा, जो नेक्स्ट लेवल बोलते हैं वो हमने किया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो स्कॉप प्लेट है, स्कॉर्पियो के बेजिंग के साथ हमने स्कॉप प्लेट लगाई हुई है LED वर्जन में। एम्बियंस लाइट हमने इसमें इंस्टॉल की हुई है, आप देख सकते हो, ये देख लो गाइस, जो एम्बियंस लाइट से जो गाड़ी में अंदर जो लुक इंक्रीज होता है गाइस, बहुत ही पावरफुल वाला रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एम्बियंस लाइट का फिटिंग फिनिशिंग, ये देख लो, स्पीडोमीटर के ऊपर से लेके यहाँ पूरा डैशबोर्ड हमने कवर किया हुआ है। यहाँ पे नीचे जो गियर बॉक्स है वो भी आप देख सकते हो, यानी आपको ये गियर बॉक्स कवर होते हैं वो कहीं पर भी आपको दिखने को नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट टाइम है ये कि पूरा एम्बियंस लाइट हमने गियर बॉक्स और वो सब में फिटिंग इंस्टॉलेशन किया हुआ है। तो दोस्तों ये तो अभी नॉर्मल है, जो कि एम्बियंस लाइट तो हर कोई लगा देता है, पर ऐसा जो फिटिंग फिनिशिंग के साथ लगाना होता है वो काफ़ी जगहों पे नहीं लगता। अभी चलो दूसरी बात करते हैं, अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो स्कॉर्पियो में लगता है भाई गैलेक्सी लुक, वो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आपका गैलेक्सी रूफ, ये देख लो गाइस, ये कितना जो पावरफुल रहता है, वैसी हमने लाइटनिंग ऊपर की हुई है, इसको बोलते हैं गाइस गैलेक्सी रूफ। वो कोई नॉर्मल सी यहाँ पे स्टार लाइट नहीं लगाई हुई है कि उसका फोकस ऊपर रूफ पे पड़ेगा, ये बोलते हैं इसको जेन्यून जो रहता है गैलेक्सी रूफ, वैसा हमने इंटीरियर पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। ये आप देख सकते हो जो इसकी जो फिटिंग है, जो फिनिशिंग है, वो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा गाइस, ये देख लो, यानी जो लाइनिंग्स है जो हमने फिटिंग की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे फिटिंग की हुई है, ये देख लो, यानी आपकी गाड़ी कोई सी भी हो गाइस, ऐसा नहीं कि महिंद्रा स्कॉर्पियो ही होनी चाहिए, कोई सी भी गाड़ी हो उसमें गैलेक्सी रूफ आपको डिज़ाइन करवाना है तो हम लोग करके देंगे आपको, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में करके देंगे।
यानी देखो आपको पूरा जो मॉडिफिकेशन है ये जो आप स्कॉर्पियो में देख रहे हो। तो दोस्तों अभी आप इसके सीट कवर भी देख सकते हो कि कितने बढ़िया तरीके से लग रहा है। यानी जो बकेट जो जेन्युइन फिटिंग रहता है वैसा हमने फिटिंग इसमें इंस्टॉलेशन किया हुआ है। जो सीट कवर है जो अल्ट्रा सॉफ्ट लेदर हमने यूज़ किया हुआ है, ये पूरी कस्टमाइज डिज़ाइन हमने इंस्टॉल की हुई है सीट कवर में भी। और हाँ गाइस, ये इसका काम ऐसा मॉडिफिकेशन करवाना हो तो एक दो दिन में नहीं होता गाइस, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ये जो स्कॉर्पियो है इसको मॉडिफिकेशन के बाद आप देख सकते हो कि कितना गजब मॉडिफिकेशन स्कॉर्पियो में भी होता है। यानी ये सब इंटीरियर डिज़ाइन करवाना हो गाइस तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अपनी गाड़ी में भी करवा सकती हो। और जो एटमोस्फियर लाइट है, यानी मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमने लाइट्स लगाई हुई है इन सब, जो गैलेक्सी रूप ले लो, एम्बियंस लाइट ले लो, जो अंदर आप देख सकते हो कि एटमोस्फियर लाइट, गैलेक्सी लाइट, ये सभी लाइट एक ही मोबाइल से वर्क करने वाली है गाइस, वो मेन चीज़ है। क्योंकि ये एम्बियंस लाइट और वो सब तो कोई भी फिटिंग कर लेगा, आप देख सकते हो कि ये मोबाइल के थ्रू ऑपरेट हो रही है। ये देख लो जो इसका फिटिंग है, फिनिशिंग है, बॉस बहुत ही क्लासिक वाला है। जो गाड़ी भी क्लासिक है और इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है वो भी क्लासिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो रूफ भी, एक बार मैं आपको दूर से भी दिखाना चाहूँगा रूफ। और हाँ गाइस, इसका इंस्टॉलेशन और कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो रूफ है, गैलेक्सी रूफ, वो भी पूरा मोबाइल से ऑपरेट होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मोबाइल से आप ये गैलेक्सी रूफ को कंट्रोल कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। जो रॉयल्स रॉय में आता है जो रूफ, वैसा सेम हमने डिज़ाइन किया हुआ है, आप देख सकते हो। ये देख लो गाइस। और अभी मैं बात करना चाहूँगा जो अंदर की एम्बियंस लाइट है, उसका भी आप मोबाइल से पूरा कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो गाड़ी का लुक है, आप देख सकते हो इंटीरियर कि कितना तगड़ा बनाया हुआ है। ये देख लो गाइस, ऐसी गाड़ी आपने बहुत रेयर केस में देखी होगी। और हाँ गाइस, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एंड्रॉयड स्टीरियो भी हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर एम्पलीफायर वूफर भी इसमें इंस्टॉल किया गया है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। जो स्कॉर्पियो में हमने पीछे एम्पलीफायर वूफर भी इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्फिनिटी का हमने वूफर इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। 18 वॉट का रहने वाला है, बहुत ही तगड़ा बेस आता है इसमें। और यहाँ पे आप स्पीकर्स भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे JBL के स्पीकर्स हमने इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं। और यहाँ पे ये जो प्लाई है, ये प्लाई पूरी चेंज की हुई है, ये देख सकते हो गाइस। एम्पलीफायर भी प्रॉपर रहने वाला है, सीट के नीचे चला गया है एम्पलीफायर भी। तो दोस्तों अभी मैं आपको पीछे से भी एक बार लुक दिखाऊंगा गाड़ी का, तो आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया तरीके से गाड़ी लग रही है, कितनी शानदार लग रही है। ये देख लो गाइस, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि ये महिंद्रा स्कॉर्पियो है। जो रॉयल्स रॉय में लुक आता है रूफ का, वो सेम लुक हमने इसमें स्कॉर्पियो में इंस्टॉल किया है। तो ये सब डिज़ाइन करवाना हो तो ये आप अपनी गाड़ी में भी करवा सकते हो, और ऐसा नहीं कि ये सब भी करवाना पड़ेगा आपको। जो भी करवाना हो वो हमारा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो जो भी करवाना हो आप हमारा कॉन्टेक्ट किए रहिए। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि आज तीसरा दिन है, और यहाँ पर जो स्कॉर्पियो में वर्क चल रहा है वो आप देख ही सकते हो कि ये पूरा टेफ्लॉन कोटिंग, जो कि सिंथेटिक कोटिंग रहता है, उसका वर्क पूरा स्टार्ट है। ये आप देख सकते हो गाइस, गाड़ी पूरी मिरर इफेक्ट बनने वाली है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसा है। और हाँ, यहाँ पे माइनर जितने भी स्क्रैचेस है वो गिरने नहीं वाला। और ये आप देख ही सकते हो कि पहले जो कंडीशन थी, जो हमारे पास गाड़ी आई हुई थी उसकी कंडीशन, और ये कोटिंग की बाद की कंडीशन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रंट ग्लास जो कि फुल ब्लैक हमने किया हुआ है, ये आप देख सकते हो, साइड में भी फुल ब्लैक किया हुआ है, ये देख लो गाइस। और ये आप देख सकते हो कि टेफ्लॉन कोटिंग का जो केमिकल्स मटेरियल्स है वो पूरी गाड़ी पे रफ हुआ है, ये देख लो। और ये पूरा मशीन से फिर ये होगा, ये देख लो गाइस।
तो दोस्तों अभी मैं दिखाना चाहूँगा आपको सीट कवर जो कि अल्ट्रा सॉफ्ट लेदर में हमने बनाए हुए है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, आप फिटिंग देख सकते हो, सीट कवर की फिनिशिंग देख सकते हो, जो क्वालिटी हमने जो यूज़ की है सीट कवर में, आप देख सकते हो कि नेक्स्ट लेवल क्वालिटी हम यूज़ करते हैं सीट कवर और ये सब में। यहाँ पे आप देख लो गाइस, कैप्टन मॉडल है स्कॉर्पियो में, ये आप देख ही सकते हो। इसमें आपको कस्टमाइज़ करवाना हो तो कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो, ये कस्टमर की चॉइस थी कि मुझे ये मरून वाला और ब्लैक कॉम्बिनेशन में चाहिए कलर, तो हमने ये सजेशन उनको दिया था। और आप फिटिंग भी आप देख सकते हो कि फिटिंग कितना 00 हुआ है सीट कवर में भी। पीछे के डोर की भी मैं बात करना चाहूँगा तो उसमें भी आपको दिखाऊँगा, ये देख लो गाइस। यानी फिटिंग फिनिशिंग तो बहुत बढ़िया होता है हमारे वहाँ, और जो मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है अल्ट्रा सॉफ्ट लेदर इसमें यूज़ किया गया है। अभी बात करना चाहूँगा जो स्टेयरिंग कवर हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो कि स्टेयरिंग कवर जो कि ये भी अल्ट्रा सॉफ्ट लेदर में इसमें इंस्टॉल किया गया है, और ये आईपॉप का स्टेयरिंग नॉब इसमें हमने इंस्टॉल किया हुआ है, आप देख ही सकते हो। एक बार मैं आपको स्टेयरिंग कवर का लुक दिखाऊँगा कि कैसा लग रहा है। स्टेयरिंग कवर भी रेड जो है धागा उससे स्टिच किया गया है, तो यानी लुक इसका भी अच्छा आएगा। तो दोस्तों अभी मैं डे विज़न में भी आपको लाइट दिखाना चाहूँगा, जो एम्बियंस लाइट वगैरह हमने लगाई हुई है वो आप देख ही सकते हो कि डे विज़न में भी इतना ग्लो आ रहा है। यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम इन वडोदरा इन स्कॉर्पियो, ये आप देख ही सकते हो रॉयल्स रॉय लुक बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही गजब वाला हमने इसमें फिटिंग फिनिशिंग किया हुआ है, नेक्स्ट लेवल काम हुआ है ये स्कॉर्पियो में, आप देख ही सकते हो, ये देख लो। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने फॉग लाइट में भी LED लगाई हुई है देख, जो कि आप देख सकते हो। और हाँ गाइस, यहाँ पे आप कोटिंग भी देख सकते हो कि यहाँ पे कोटिंग भी हो चुका है, तो गाड़ी जो अभी मिरर इफेक्ट आ रही है वो गाइस बहुत ही तगड़ी आ रही है। और अभी लास्ट टाइम जो गैलेक्सी रूफ है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख लो एम्बियंस लाइट और ये गैलेक्सी रूफ। सो गाइज, आपको भी ऐसी गाड़ी बनानी हो, ऐसे मॉडिफिकेशन करवाने हो तो हमारा कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज रॉयल्स रॉय लुक बहुत ही बढ़िया आ रहा है। सो गाइज, आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारी कमलेश कार एसेसरीज चैनल को। थैंक यू सो मच।